हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो सकती है अथवा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यदि यमराज स्वयं मृत्यु के देवता हैं तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन वेदों और पुराणों में यमराज की मृत्यु के संबंध में एक कथा बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं यमराज की मृत्यु से जुड़ी वह कथा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यमराज की एक जुड़वा बहन थी जिसे यमुना भी कहा जाता था। यमराज भैंसे की सवारी करते थे और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत और काल। यमराज को स्वभाव से बहुत क्रूर और निर्दयी माना जाता है, मगर सावित्री के पतिव्रता धर्म के आगे यमराज को भी हार माननी पड़ी थी। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में शिव भक्त राजा श्वेत राज करते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहां शिव की आराधना में लग गए। वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्युपाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप जप करना शुरू कर दिया। जब मृत्युपाश श्वेत मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर शिव जी ने ही श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भैरव बाबा को भेजा था। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को मूर्छित कर दिया। वे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला, पर श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव को पुकारा। महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण यमराज को भगवान भोले के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिव ने नदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे वे पुनः जीवित हो गए। इस तरह सभी को मृत्यु देने वाले यमराज को जीवन दान मिला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।